हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकेंड वीडियो ऑफ टाइपस्क्रिप्ट। इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स कवर करने वाला हूं। उनमें से सबसे पहले है कि कैसे हम टाइपस्क्रिप्ट को npm के थ्रू इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइपस्क्रिप्ट फाइल जो हमने क्रिएट किया उसे ट्रांसपाइल करके जावास्क्रिप्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम एक टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल जिसे हम tsconfig.json कहते हैं वो क्रिएट करके मैं आपको बताऊंगा। इसकी जो फाइल सेटिंग्स है उस फाइल सेटिंग को हम समझेंगे कि एग्जैक्टली वो कैसे काम करता है। और लास्टली मैं एक टाइपस्क्रिप्ट फाइल को डिबग करके भी आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, काफ़ी प्रैक्टिकल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है। और टाइपस्क्रिप्ट अगर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है या नहीं चेक करने के लिए आप यूज करोगे tsc-v। तो यहाँ देखिए, मेरे को वर्जन दिखा रहा है 4.9.5। ये लेटेस्ट वर्जन है टाइपस्क्रिप्ट का। अगर आपके पास टाइपस्क्रिप्ट नहीं है तो उसके लिए आपने लिखना है npm इंस्टॉल के लिए i-g ग्लोबली टाइप स्क्रिप्ट। तो यहाँ करते ही आपका अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो ये इसे इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। और अगर आपके पास npm नहीं है तो उसके लिए आपने नोड की वेबसाइट पे जाना है और नोड की वेबसाइट में जाकर यहाँ से नोड को इंस्टॉल करना है। नोड इंस्टॉल होने के बाद आपका npm इंस्टॉल हो जाएगा और npm इंस्टॉल करने के बाद आप टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल इस तरीके से कर पाओगे। चलिए, तो अब हमारा टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट हम आएंगे कि हम कैसे एक टाइपस्क्रिप्ट फाइल को क्रिएट करते हैं। तो टाइपस्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करने से पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, टाइपस्क्रिप्ट के नाम से फोल्डर बना लिया। उस फोल्डर में हम चले जाते हैं, हम उस फोल्डर में चले गए। अब यहाँ पर मैं एडिटर VS कोड यूज करने वाला हूँ। तो VS कोड हमने यहाँ ओपन कर लिया है, फोल्डर ओपन हो चुका है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं न्यू फाइल करूँगा और इसका नाम दूंगा index.ts। ts जो है वो टाइप स्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं यूज करूँगा let first number equal to 10, let second नंबर इक्वल टू 20, लेट आउटपुट या कॉन्स्ट आउटपुट इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। और यहाँ पर मैं console.log आउटपुट करता हूँ। तो यहाँ आप देखो, ये बेसिकली एक बहुत ही बेसिक जावास्क्रिप्ट की ही फाइल है जो मैंने यहाँ पर यूज किया है। और यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा। इट मीन्स कि जो वैलिड जावास्क्रिप्ट होता है वो वैलिड टाइपस्क्रिप्ट भी होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, हमने लेफ्ट साइड में देखिए index.ts नाम की टाइपस्क्रिप्ट फाइल आ चुकी है। अब इस टाइपस्क्रिप्ट फाइल को मुझे ट्रांसफाइल करना है, कंपाइल करके इसका जावास्क्रिप्ट जनरेट करना है। तो वो जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे tsc। और मैं यहाँ पर फिलहाल, अभी कोई हमारी सेटिंग नहीं है इसलिए वो काम नहीं कर रहा, तो tsc index.ts ये करते हैं। तो यहाँ पे मैंने, ये देखिए यहाँ पे ये कंपाइल हो गया index.ts। और यहाँ पे आउटपुट फाइल जो है वो index.js इस नाम से आ गई। और इन दोनों फाइल्स में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस ये है कि यहाँ हमने लेट यूज किया था और जो आउटपुट जावास्क्रिप्ट फाइल है वो उसमें वेयर यूज किया गया है। वेयर जो है हमारा ES5 स्टैंडर्ड सपोर्ट करता है। ES 2015 से लेट कीवर्ड का यूज किया गया। तो अगर हमें यूज करना है लेट तो वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया कि किस किस तरीके से हम टाइपस्क्रिप्ट फाइल को जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करते हैं। तो अगर मेरे पास मल्टीपल फाइल है,
जैसे ए डॉट टी एस और यहाँ पे लेट ए इक्वल टू ए, ये मैंने ऐसे लिया है। और मेरे पास दूसरी फाइल है बी डॉट टी एस और लेट बी इक्वल टू बी, ये दूसरी फाइल है। ये दो फाइल्स हमारे पास सपोज हैं और यहाँ पे मैं फिर इसको टी एस सी ए डॉट टी एस करेंगे हम, तो यहाँ से हमारा ए डॉट जे एस कंपाइल होके आ गया टी एस सी बी डॉट टी एस। तो इस तरीके से हम फाइल बाई फाइल हम कंपाइल करके आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो ये रहा किस तरीके से हम जनरेट करते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल को। अब क्योंकि ये फ्लैट स्ट्रक्चर मैं फॉलो कर रहा हूँ, बट जब रियल लाइफ प्रोजेक्ट आप करते हो तो वहाँ पर फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल की तरह हम यहाँ सबसे पहले तो मैं ये डिलीट कर लेता हूँ ए बी, ये जो फाइल्स हैं, और मैं यहाँ इसको भी डिलीट कर लेता हूँ। तो हमारे पास एक सिंपल एक फाइल है इंडेक्स डॉट जे एस। मैं एक फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ जो एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में होता है, एस आर सी के अंदर हम अपने सोर्स फाइल्स रखेंगे और एस आर सी के अंदर बेसिक हम एक फोल्डर बना लेते हैं टी एस टाइपस्क्रिप्ट फाइल्स, और एक फोल्डर हम बनाते हैं डिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर। इस डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर के अंदर हम जावास्क्रिप्ट फोल्डर बना लेते हैं। ओके, इस टाइपस्क्रिप्ट फाइल को हम टी एस फोल्डर में रख लेते हैं। तो ये हमारा जो टाइपस्क्रिप्ट फाइल है बेसिकली अब हमारा एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर में चला गया है। अब हम क्या चाहते हैं कि जब हमारा जो कंपाइलर है वो टी एस फाइल फोल्डर के अंदर जितने भी टी एस फाइल्स हैं उनको कंपाइल करे और कंपाइल करके जे एस के अंदर इसे स्टोर करे। तो इसे समझने से पहले हम देखेंगे कि टी एस कॉन्फिग फाइल क्या होती है। सो बेसिकली जब भी हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं टाइप स्क्रिप्ट का, तो हमें एक टी एस कॉन्फिग फाइल जनरेट करनी पड़ती है जिसमें पूरी सेटिंग्स होती है कि किस तरीके से टाइप स्क्रिप्ट का ये प्रोजेक्ट रन करेगा। तो उसे जनरेट करने के लिए हम लिखते हैं टी एस सी इनिट। तो ये इनिट करते ही हमारा ये एक फाइल इनिशलाइज हो जाता है। और ये देखिए ये टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन, ये जेसन फाइल होती है। तो इसके अंदर अगर देखोगे आप तो काफ़ी सारे की वैल्यू प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यूज है, जिसमें एक हमारा ऊपर टॉप लेवल पे कंपाइलर ऑप्शन होता है कि किस तरीके से आप कंपाइल जब करोगे तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस आप ऑन ऑफ कर सकते हो, काफ़ी सारी सेटिंग्स होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले तो टारगेट की बात करते हैं। टारगेट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ES 2016 है, मॉड्यूल कॉमन जे एस है, किसको ये सारे इसके जो डिस्क्रिप्शन है वो भी यहाँ दिए हैं, स्पेसिफाई व्हाट मॉड्यूल कोड इज जनरेटेड। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, आने वाली वीडियोस में मैं इसमें से सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारा आप देखोगे तो कई सारी प्रॉपर्टीज आपकी ऑलरेडी ऑन है, जैसे कि स्ट्रिक्ट जो है आपका जो प्रॉपर्टी है वो ट्रू है, तो आपका जो स्ट्रिक्ट जो है वो अप्लाई होके रहेगा। अब इसमें जो हमारा है जो सोर्स, इसमें दो फाइल्स होती है, दो प्रॉपर्टीज होती है जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक होता है रूट डायरेक्टरी, ये देखिए मॉड्यूल के नीचे है। रूट डायरेक्टरी का मतलब है कि किस फोल्डर के अंदर जो आपके टाइप स्क्रिप्ट फाइल्स है उसे हमें जनरेट, मतलब वहाँ वो हमारा इनपुट फोल्डर स्ट्रक्चर है। तो ये रूट डायरेक्टरी हम लेंगे एस आर सी, इसके अंदर टी एस, तो एस आर सी के अंदर टी एस फोल्डर जो है उसके अंदर हमारे रूट फाइल्स हैं जो कि ट्रांसपाइल होंगे। और इसका जो आउटपुट है उसके लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो है हमारा ये रहा आउटपुट डायरेक्टरी, इसे भी मैं ऑन कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं ये क्या हो जाएगा डिस्ट के अंदर जे एस, ठीक है। तो अब हम इसे ये हमारी सेटिंग्स मैंने चेंज कर दी है, यहाँ पर हम यहाँ पर टी एस सी कर रहे हैं और हाइफन डैश डब्ल्यू कर लेते हैं, ये वॉच मोड में हम यहाँ पे कर लेते हैं कि जितने भी चेंजेस हम करेंगे ये हमारा वॉच करता रहेगा कंपाइलर। तो यहाँ मैंने एंटर कर दिया है, ये कंपाइलेशन स्टार्ट हो गई है। और यहाँ देखिए इंडेक्स डॉट जे एस यहाँ पर जनरेट हो गया, ये देखिए। और यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट मोड यूज किया गया है। तो कुछ इस तरीके से हम टी एस कॉन्फिग फाइल की सेटिंग्स को यूज करते हैं। तो ये तो रहा हमारा टी एस कॉन्फिग फाइल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि डीबग कैसे करना है एक टाइपस्क्रिप्ट फाइल को। तो सपोज हमारे पास एक टाइपस्क्रिप्ट फाइल है और इसे हम डीबग करना चाहते हैं,
तो सपोज जैसे यहाँ पर मैं डिबग करना चाहता हूँ, तो डिबग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम डिबगर लगाएंगे, दिस वन फॉर एग्जांपल, और ये हमारे पास है रन एंड डिबग। तो रन एंड डिबग पे हम क्लिक करेंगे और उसको समझने से पहले कि हमारा डिबगर कैसे काम करेगा, ये देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने ये जो हमारा इंडेक्स डॉट जे एस फाइल है, यहाँ पे देखो आप कहीं भी एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, तो टाइप स्क्रिप्ट आपको एरर जनरेट करके दे रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये मैं सबसे पहले तो ये डिलीट कर देता हूँ इंडेक्स डॉट जे एस, और यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई एरर नहीं है। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट के अंदर अगर मैं लेट ओ करता हूँ 100 डिवाइडेड बाई ए और 5, लेकिन यहाँ देखिए 5 को हमने क्या किया है, स्ट्रिंग में रखा है। तो यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हमें प्रॉब्लम्स का ऑप्शन आ जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि हमने जो डिवाइड किया है वो स्ट्रिंग है, उसे नंबर में हमें वो नंबर में होना चाहिए। तो इसके लिए लेकिन अगर आप इसको कंपाइल करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक एरर आ चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर आप जावास्क्रिप्ट में जाओगे तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे जनरेट हो चुका है। ओके, यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट में एरर है लेकिन जावास्क्रिप्ट वहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो इस तरीके से हमें फ़ायदा होता है, कंपाइल टाइम पे ही टाइपस्क्रिप्ट लिखते ही हम एक वैलिड जावास्क्रिप्ट लिख पाते हैं। चलिए तो मैं वापस आपको डिबग करके दिखाता हूँ। तो डिबग करने के लिए हम यहाँ पर एक तो डिबगर लगा देंगे ब्रेक पॉइंट, और यहाँ पे हम जाएंगे रन एंड डिबग पे, और डिबग करने के लिए हम एक क्रिएट लॉन्च जेसन फाइल क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ से हम नोड डॉट जे एस सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ये हमारा लॉन्च प्रोग्राम जनरेट हो चुका है। ये देखिए इसका नेम है लॉन्च प्रोग्राम, और यहाँ पे क्लिक करते ही हमारा डिबगर स्टार्ट हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए ये हमारे वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स हैं, और यहाँ फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, और इस तरीके से हम इसे आपका डिबग कर सकते हैं। तो वॉच मोड में जाकर मैं इसमें फर्स्ट नंबर नंबर कर देता हूँ, एक हम कर लेते हैं सेकेंड नंबर, एक हम कर देते हैं आउटपुट और ओ, और एक ऐड कर देते हैं ओ। तो अभी फ़िलहाल ये क्या है, सारे अनडिफाइंड हैं। अब ये हमारा ब्रेक पॉइंट आ चुका है। अब मैं F10 दबाता हूँ, F10 दबाते ही हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए और फर्स्ट नंबर की वैल्यू हो गई 10, उसी तरीके से सेकंड की 20, फिर आउटपुट ये 30 जनरेट कर रहा है और O की वैल्यू 20। तो कुछ इस तरीके से हम अपने फाइल को डिबग भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, टाइपस्क्रिप्ट फाइल को जनरेट कैसे करते हैं, एक फोल्डर स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, ओके, और उस फोल्डर स्ट्रक्चर को कॉन्फ़िगरेशन में कैसे सेट करते हैं TS कॉन्फ़िग के थ्रू, TS कॉन्फ़िग फाइल कैसे बनाते हैं, डिबगिंग कैसे करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी क्लियर होगी, और आने वाली वीडियोज़ में मैं टाइपस्क्रिप्ट के बेसिक्स, वेरिएबल्स कैसे यूज होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरह के टाइप्स होते हैं, इस बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।